जी वेलकम बैक एक दफ़ा पर खुश आमदीद कहते हैं और आज हम बहुत अहम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं गर्मी और जो हब्स का मौसम है इसके अंदर जो स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं ख़ासतौर तो पे ख़वान को मगर ऑब्वियसली uh, मर्दों को भी वही प्रॉब्लम्स हो सकती हैं तो हम दोनों जेंडर्स को जो है वो uh, के हवाले से डिस्कस करेंगे अच्छा डॉक्टर साहब सब सबसे पहले तो ये बताइए कि जो ये मौसम है इसके अंदर कौन सी ऐसी डिजीज़ हैं जो कॉमनली लोगों में पाई जाती हैं और बहुत ज़्यादा uh, जो लोग आके आपसे कहते हैं कि जी ये है प्रॉब्लम Uh, सबसे ज़्यादा तो क्योंकि मौसम गर्म हब्स गर्मी जिसमें और जो आउटडोर काम करने वाले लोग हैं और वैसे भी माशाल्लाह लाइट तो होती नहीं हमारे <laughs> आउटडोर हो या इंडोर हो, हो <laughs> बड़े मसले मसाल मसले मसाइल हैं तो उसमें हम एक आम जनरल सी एक डिजीज़ है जो बहुत कॉमन बच्चों में बड़ों में औरतों में मर्दों में जिसको पिटली हीट है, हम अपने जबान में कहते हैं मिलियरा हमारा मेडिकल टर्म है उसका और आम जबान में पित कहा पित जाता है कहा जाता बिल्कुल जा, है बिल्कुल बहुत कॉमन चीज़ है तो बच्चों में के के ऊपर छोटे 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 दाने और रैशेज हो जाते हैं रेड रेड कलर वो वाला रैश सारे जिसम पे होते स्पेशली जो गर्म एक्सपोज एरियाज हीट के अंदर जाते हैं वक्त पूरे आगे फ्रंट पे बैक पे और गर्मी के साथ एक दिन के अंदर भी जो बड़े बच्चे को बाहर बहुत धूप में खेलते रहें पसीना आए

जी डॉक्टर साहब मेरे ये चेहरे पे ना दाग है काले दाग हैं छोटे छोटे हैं तो उससे चेहरा जो है बहुत खराब है उसके लिए कुछ बता दें नहीं आपके तिली है कि धब्बे पड़े हुए हैं हैं जी धब्बे पड़े हुए अच्छा तो आप दुबई में ही रहती हैं या पाकिस्तान आने आते नहीं अभी तो दुबई में अभी एक महीना हुआ है यहाँ आए अच्छा धूप में कितना जाने का आपका सिलसिला धूप में तो नहीं जाते इतना ज्यादा

जो शख्स भी है वो उसको नोचना शुरू कर देते right. हैं आप स्क्रैच करते हो खारिश स्क्रैश बहुत ज्यादा उस पर होती है और जब आप खारिश कहीं पर भी करेंगे तो याद रखें जब आप जोर की नोच देंगे एक जगह तो वहां पर आप एक वे बना देते हैं जरासीम के जाने का क्योंकि तो जरूरी ऑल ओवर हमारे हर तरफ right. होते हैं तो वो जरम जो बैक्टीरियाज हैं वो अगर इन्फेक्ट कर दे तो वहीं पर ही वो जो रैश है वहाँ पर दाने बनने शुरू हो जाएंगे पीछे आप देखें बरसात में ये दाने फिंसियाँ फोड़े जो इस तरह की छोटी छोटी चीजें बहुत कॉमनली आनी शुरू हो जाती हैं तो इसी वहाँ पर जब आप ये इसको रैश को करेंगे तो और खराब हो जाएगा तो, तो आपकी कहने का मकसद ये कि अगर किसी को पित निकली हुई है तो वो बिल्कुल भी इस तरह से उसको वो तो करेगा करेगा तो तो करे करना है उसके हाँ। लिए हम दो तीन चीजें कहते हैं कि कपड़ा ले लें है। कपड़े के साथ खारिश करें वैसे तो मेडिसिन देते हैं उससे वो बहुत जल्दी ये सब कुछ ठीक हो जाता है और सबसे ज्यादा मेडिसिन से भी इम्पोर्टेंट है कि उसको बचाव जो है उस चीज अच्छा कुछ लोग ऐसे भी होते हैं उन्हें अगर ये छोटे छोटे दाने निकले पित्त की सूरत में तो वो प्रिकली हीट पाउडर भी लगाते हैं वो काफी हद तक पाउडर आम कोई भी किस्म का हो क्योंकि पाउडर क्या होता है पाउडर एक बैरियर बना देता है आपके कपड़े के दरमियान में और वो एक सॉफ्टनेस प्रोड्यूस करता है स्किन के ऊपर आपको खारिश नहीं होने देता चीज को बढ़ने नहीं देता तो आम पाउडर का इस्तेमाल बहुत जरूरी है और बहुत अच्छा है जस्ट पूरी बॉडी पे छिड़क लें दिन में तीन चार दफा नहाएं गर्मी से बचें अपने आप को हब्बत से एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्लोथिंग जो कपड़े हैं वो हल्के पहनने हैं है। दोनों तरीके से हल्के एक तो उनका कलर भी हल्का होना चाहिए अच्छा वो इफेक्ट करता है आपके बहुत ज्यादा जिस तरह अब गर्मियों में लाइट कलर क्लोथ का कहते हैं वो रिफ्लेक्ट करते हैं लाइट को है। जितना डार्क होगा ब्लैक्स होंगे वो एब्जॉर्ब करते हैं लाइट को तो कोशिश करें कि डार्क कलर क्लोथ जो है ये गर्मी में पहन के बाहर ना जाए या क्योंकि जितना गर्मियों में लाइट सॉफ्ट कलर ही अच्छा लगता है उसके अंदर सेकंड जो मैं कहता हल्का हल्कापन उसके अंदर की ज्यादा

जिनमें बड़ा अच्छा कूलिंग इफेक्ट आता है वो लोशन दिए जाते हैं गोलियां खाने को देते हैं एंटी एलर्जीज देते हैं है। तो मगर एहतियात अगर जैसे हमने प्रोग्राम स्टार्ट किया था कि अगर हम एहतियात इसकी कर लें तो हम इस बीमारी पे नहीं जाएंगे, जाएंगे। पॉइंट इज अपने आप को जरा अच्छा ठंडा रखें नहाएं दो तीन दफा दिन में पाउडर का इस्तेमाल ज्यादा कपड़े हल्के पहने ये दो तीन चीजें तो आपको ये चीज आएगी नहीं प्रॉब्लम अच्छा डॉक्टर साहब एक तो ये प्रिकली हीट का प्रॉब्लम हो गया इज़ वेरी कॉमन ठीक है सब लोग जानते हैं इसके अलावा कौन से होते हैं इस मौसम अगर इंदे? देखा जाए तो एक कॉमन डिजीज है जो है। बहुत कॉमन हम देखते हैं इसमें दैट इज फंगस वो आती ही गर्मी हबस के मौसम के अंदर है फंगस आम जबान में उर्दू में उसको उल्डी कहा जाता है अच्छा। या धदरी भी कहा जाता है उसको ये तीन चीज आती तो फंगस सर से लेके पांव तक कहीं पर भी आ सकती है, है। ये जो उरली की जिसकी हम अच्छा, बात मैंने कर रहे हैं अच्छा मैंने वैसे ये डिजीज नहीं देखी कभी मैंने मेरा अच्छा। इत्तेफाक नहीं हुआ कभी नहीं इट्स वेरी कॉमन वेरी वेरी हमारे तो बल्कि अच्छा तो क्या होता क्या है उसमें फंगस उसमें ये होता है कि बच्चों में बड़ों में औरत पर हर एक के अंदर फंगस आ सकती है एक जरासीम होता है इसका वो जरसम फैलता है इस मौसम के अंदर ज़्यादा और ये लगने वाला होता है समझिए okay. आपका कंगी किसी ने इस्तेमाल कर लिया ये तो सर के लिए हो गया किसी ने शेविंग अपनी जो oh, है शेव से जा, आगे जा, गया कपड़े पहने कपड़े से फंगस आगे जा सकता है आपके नीचे है। जो वेस्ट पहना हुआ है वो भाई है पहन ले कोई और पहन ले दोस्त पहन ले उनको जा सकता है ठीक है जूते है अगर आप सॉक्स पहन रहे हैं एक दूसरे की शेयर करें वहां से जा सकते हैं आपके और जो गार्मेंट्स हैं और ये ऐसा होता है लोग एक दूसरे की चीज़ें इस्तेमाल कर रहे होते हैं जिसके बारे में लोगों को पता होना चाहिए कि दिस इज नॉट राइट इवन आप कपड़े भी नहीं किसी के साथ शेयर कर सकते नहीं कर सकते आप और अगर डिजीज हो तो आपको पता नहीं चलेगा कि नीचे बॉडी के अंदर उसके शख्स के वायरल डिजीज थी मैंने वो वाला पहन लिया तो इससे फंगस इस तरह फैलती भी है ये है। भी एक ट्रू कपड़ों के थ्रू भी जाती है एक बड़ी खास किस्म की फंगस है जो आजकल इसको हम टीनियम वर्सिकुलर कहते हैं ये है। छोटे छोटे थिम टाइप से बन जाते हैं स्पॉट्स सिर्फ है। स्पॉट्स हैं पूरी बॉडी पे चेस्ट पे होते हैं बैक पे होते हैं उसके सिर्फ बैक पे ये और बॉडी पे कहीं नहीं जाते चेस्ट एंड बैक

ट्रीटमेंट्स तो करना ही है जब भी कोई फंगस पाँव की उंगलियों के दरमियान आ गई बॉडी पे आ गई आर्म पिट्स में लेग पिट्स में सर में पर मैं आपको बताता हूँ इसमें हमें थोड़ा सा बचना कैसे है? है कि ये चीज़ ना अगर हो तो बेहतर है सबसे पहले हाइजीन ऑफ द बॉडी दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आप जब भी नहा धो के निकलें नहाएं चाहे दिन में दो तीन दफ़ा आजकल मौसम गर्म है लोग नहाते हैं तो प्लीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पाओं के लिए जो फंगस आजकल बहुत कॉमन देखी जाती है जो पाँव की उंगलियाँ हैं उनको ड्राई करें बीच में अच्छा। लोग ड्राई नहीं करते नहाने के बाद वो गीला रहने देते हैं सॉक्स पहन लिए या चले गए वो जो उसमें जहाँ पर ह्यूमिड ह्यूमिडिटी आती है वहाँ फंगस डेवलप होती है याद रखिए पाओं की उंगलियों के दरम्यान में इससे फंगस आती है आप उसको ड्राई नहीं फौरन सब लोग ये नहीं कि जिसको फंगस है बिल्कुल ये सबके लिए सब भी जितने हाँ। भी लोग यहाँ वो भी सुन रहे हैं बाकी लोग भी नहाने के फौरन बाद उंगलियों को ड्राई करें खाली नहाने में नहीं

वाटर लॉस ज्यादा हो रहा है बॉडी के अंदर से पानी का ज्यादा रखें एंड फाइनली जब मैंने कहना नहा के निकले या चार दफा भी बंदा बहुत नहाता है मौसम में तो फौरन ड्राई करें अपनी बॉडी को अच्छी तरह को भी करें और वही बात है पाउडर का जो इस्तेमाल है वो बहुत अच्छा है इस्तेमाल कीजिए डॉक्टर थैंक यू सो मच यहाँ पे हम ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे